मैं उत्तर प्रदेश के साथ मेरा कुछ भाग्य ही ऐसा है, तीन चुनावों से हर बार जुड़ता जा रहा हूं, ये चौथा चुनाव है। 2013 में मुझे प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का, 14 का चुनाव आया, मोदी जी को खूब आशीर्वाद दिया आपने, दो तिहाई बहुमत की सरकार बना दी और 73 सांसद 2014 में उत्तर प्रदेश से हुए। 17 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आपके बीच में आया, हमने नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश में एक बार कमल के फूल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, हम यहां से गुंडा और माफियाओं को पलायन करा देंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता ने वो अपील को प्रतिसाद देते हुए 325 से ज्यादा सीटें एनडीए की झोली में डालने का था। 2019 में सपा बसपा कांग्रेस ये आरएलडी सब इकट्ठा हो गए, तब भी मैंने कहा था भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कि जिसको इकट्ठा होना हो जाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी 50% का चुनाव लड़ेगी और हम यहां पर विजय प्राप्त। और फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 65 सीट दिए और मोदी जी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने, दो तिहाई बहुमत के साथ। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम पर भरोसा, जब जब आए भरोसा किया, आशीर्वाद दिया, उत्साह बढ़ाया और सरकार बनाने का मौका दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता, जब भी हम आए तब हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी है। मित्रों, आज एक ऐसी सीट पर मैं आया हूं जहां 28 साल से कमल नहीं खिला है और मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं कि एक बार इस सीट पर कमल खिला दीजिए, हमेशा इस सीट पर कमल ही कमल रहेगा। इस प्रकार का मित्रों, हम यहां पर विकास की बात लेकर आए, हम यहां पर कानून और व्यवस्था की बात लेकर, हम यहां पर संस्कृति के सम्मान की बात लेकर आए और यहां पर गरीब कल्याण की बात लेकर आए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति थी जब सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा ये बुआ भतीजा की सरकारें जब चलती थी, तब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का राज था या नहीं था? जोर से बोलो भाई, ऐसे नहीं था या नहीं था? कहीं इमरान मसूद बैठे थे, कहीं आजम खान बैठे थे, कहां अतीक मोहम्मद बैठे थे, कहीं और कोई बैठा था और सारी जनता सहमी हुई दिखाई पड़ती थी। आज आपने दो तिहाई बहुमत दिया योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, पलायन कराने वाले माफिया आज उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। माफिया तीन ही जगह पे है, तीन ही जगह पे, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं।